मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। जी 1000 रुपए दोनों, मोबाइल का बैलेंस लोड कराऊंगा। 1000 रुपए का मोबाइल बैलेंस डलवाएगा? 1000 रुपए मांगूंगा तो 100 रुपए दोगे ना? गुलाम जी, लड्डू जी, हमारे बहुत बड़े बिजनेस इन्वेस्टर का बेटा हमारे साथ इन्वेस्ट करना चाहता है और वो यहाँ हमसे मिलने आ रहा है, समझ गए जी? तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उनको लगना चाहिए कि हमारा बिजनेस अरबों का नहीं खरबों का है, खरबों का, समझे? और हम खरबपति लोग हैं। मगर मम्मी जी वो एक बात समझ नहीं आई, वो ये नहीं सोचेंगे हम खरबपतियों के इस घर में क्यों रहते? अरे बस बस रहने दो, सबको पता है कि इनकम टैक्स से बचने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। हाँ, सही। बस हमें अरबपति दिखना चाहिए, समझ गए ना? बट ठीक है, अब मैं भी अमीर आदमी बन जाऊंगा। हाँ एक दिन के। मगर सिर्फ एक दिन का। तेरा बोलना बहुत जरूरी था। तो दो मुझे 100 रुपए बैलेंस लोड कराना है। 100 रुपए दो। तारा बाबा एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बस आप दुआ करें कि वो हमारे साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। बच्चा ये चांद और सूरज दोनों आमने सामने है, क्या हुआ बच्चा? कुछ नहीं, वो मैंने सोचा ये थोड़ा सा साइड पे हो जाऊं। अरे यहाँ नहीं, वो तो फलक पर एक जायचे के सामने आ रहे हैं। तो इससे क्या होगा? भाई वही होगा जो मंजूर है खुदा होगा। हम कोशिश करके तुम्हारे लिए तमाम जायचों की पेचीदगियों से लड़ जाएंगे। शुक्रिया तारा बाबा। वैसे इस बार अतार भी अपने एहतसाब के 8वें घर में कयाम कर रहा है। मुश्तरी से टकराव होते ही एहतसाब का 8वां घर इंतकाम के पहले घर में दाखिल हो जाएगा। बाबा आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे मैं कोई खबरनामा देख रही हूँ। फिर तो तुम्हें मेरी बातें बहुत दिलचस्प लग रही होंगी। खैर तुम फिक्र ना करो, ये सरमायाकारी का दूसरा घर तुम्हारे ही नाम। नहीं नहीं बाबा, मेरे लिए तो बस ये एक घर ही काफी है, मुझे तो सिर्फ बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। वही वही तारा बाबा हर बात जायचे और सितारों को मद्देनजर रख के करता है। लो बच्चा इसी बात पर बाबा की टाइम ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्ट की फीस। जी जी क्यों नहीं क्यों नहीं, ये लीजिए। बस जब तक बनने वाले मौजूद हैं बनाने वाले तो बनाएंगे जी। कुछ नहीं बच्चा कुछ नहीं। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज, दुआ कीजिएगा। अरे छोड़ो मुझे, आइए कहाँ लेके आ रहे हो? आइए तो सही, आइए तशरीफ रखिए। मुझे तानी बेगम से मिलना, तुम घसीट के ले आंदा। अरे बिल्कुल आप यहाँ पे तशरीफ तो रखिए, बिल्कुल। मुझे पता है कि आप तानी बेगम से मिलने के लिए आए हैं, मम्मी जी बस आती ही होंगी। वो क्या है ना, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, ज्यादा देर बाहर खड़े हो नहीं सकते, इसलिए तशरीफ रखिए। मम्मी जी का भी हेलीकॉप्टर अभी थोड़ी देर पहले ही लैंड हुआ है। कहाँ? छत पे हमारी। क्या? हमारा हेलीपैड है ना अपना छत पर। वो तो ठीक है, बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए आप क्या पीना पसंद करेंगे? मुझे कुछ नहीं पीना, मैं तानी बेगम से मिलने आया हूँ, वो दरअसल टैक्स। मुझे पता है आप हमें टैक्स से बचाने के लिए तो घर पे मिलने के लिए आए हैं, बस थोड़ी देर यहाँ इंतजार कीजिए, मम्मी जी अपना आउटफिट चेंज करके आती ही होंगी। अच्छा सुनो, पानी मिल जाएगा? पानी पियेंगे आप? मैं आपको कोल्ड ड्रिंक पिला सकता हूँ। क्या? पानी। वो क्या है ना, हम लोग बहुत अमीर लोग हैं, तो अपनी टंकी में पानी की जगह कोल्ड ड्रिंक भरवा देते हैं और वही पीते रहते हैं। और नहाते धोते कैसे? उसी से, अब मेरा मतलब है मिनरल वाटर से। अच्छा भाई मिनरल वाटर ही पिला दो। ठीक है मैं आपको मिनरल वाटर ही पिला देता हूँ। आह मम्मी जी गेस्ट आ गए। अरे यार माय डियर, मैं रात को वॉक पे निकला तो 4.5 करोड़ मेरी जेब से गिर गए यार। चलो खैर तक्का गया यार, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है कैसे आना हुआ?
वो दरअसल मैं तानी बेगम से एक सिलसिले में मिलने आया। अच्छा अच्छा अच्छा, वो बिजनेस के सिलसिले में कह सकते हैं। अच्छा, कौन सा बिजनेस? अमेरिका वाला, फ्रांस वाला या इंग्लैंड वाला? आपकी ब्रांचेस मुझसे बाहर भी हैं? बाहर? अरे साहब, ये सारे ममालिक आपके लिए बाहर होंगे, हमारे लिए तो समझ लें अंदर ही हैं। क्योंकि देखिए, हमारा ज़्यादा टाइम गुजरता है अमेरिका में, और हम शाम की चाय कभी कभी पीते हैं दुबई में, तो खाना खाते हैं हम कभी कभी स्विट्जरलैंड। मुझे नहीं मालूम था। हाँ, तो हो भी कैसे सकता है ना, असल में ये बातें होती हैं थोड़ी खुफिया। हाँ अच्छा, खैर कहाँ बातों में उलझ रहे हैं आप, ये बताइए क्या लेंगे आप? कुछ देर पहले एक परकुरदार से पानी मंगवाया था, अभी तक लाया नहीं वो। लेकिन यहाँ अभी तक आप बताना भूल गए होंगे कि कौन सा, इंग्लैंड वाला या कनाडा वाला मिनरल वाटर? अरे साहब, बस पानी पीने के लिए मिल जाए वही काफ़ी है। हाँ ठीक है, लड्डू, ए लड्डू, वो इंग्लैंड वाला मिनरल वाटर ले गया। और मेरा ड्राइवर भी तरीका गायब हो गया, बल्कि तीनों ड्राइवर गायब हैं। मैंने पिछले हफ्ते अपनी वो फरारी बेची तो रोल्स रॉयस ली मैंने, रॉयल ब्लू कलर की रोल्स। तब वो ड्राइवर, असल में उसमें से एक ड्राइवर उसको बहुत अच्छी तरह जानता है, वही गायब है। वरना अगर आप थोड़ी देर लेट होते तो मैं तो निकल गया था। आप बैठे, पानी आ रहा है, मैं ज़रा देखता हूँ ड्राइवर किधर है। जी बिल्कुल ठीक है, ओके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिए। आप में से तानी कौन और बेगम कौन? जी मैं ही तानी हूँ और मैं ही बेगम, गुलाम की। वाह भाई वाह, बहुत अरसे बाद ताश का खेल याद आ गया, बेगम गुलाम। गुलाम मेरे शौहर का नाम है। आपने उनका नाम गुलाम क्यों रखा, बादशाह क्यों नहीं रखा? मैं उनकी जौजा हूँ, वालिदा नहीं, वो मुझे इसी नाम के साथ मिले थे। बड़ी दिलचस्प बातें करती हैं आप। जी आपको हमारे साथ सरमायाकारी करके भी बहुत दिलचस्पी होगी। आपका बिजनेस मुझसे बाहर भी है? जी बाहर ही है। कहाँ कहाँ? फिलहाल तो घर से बाहर है। अरे भाई इनको छोड़े भाई, ये तो दुनिया में हर मुल्क में बिजनेस करके भूल जाती है, शामत तो हमारी आती है ना, संभालना तो हमें ही पड़ता है ना। डैडी आप इन्हें हमारे वो यूएसए वाले बिजनेस के बारे में बताइए ना। ये यूएसए कोई मुल्क है? जी नहीं, मेरा मतलब है वो भी कोई मुल्क है, कितना छोटा सा मुल्क। अरे मैं तो उसे मुल्क ही नहीं मानता भाई। क्या बात कर रहे हैं जनाब, यूएसए एक बहुत बड़ी कंट्री है। हाँ नहीं, मेरा मतलब ये है कि देखिए वहाँ के लोग छोटे हैं, अरे उनके दिल छोटे हैं, और मैं तमाम ममालिक को लोगों के दिलों से जरा हिसाब किताब करता हूँ। अरे आप छोड़े ना इन बातों को, मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पैसे को दुगना तिगना चौगना कर लेंगे। हाँ सुसर जी, ड्राइवर आपकी रोल रॉयस के अंदर CNG डलवा कर आ चुका है। क्या रोल्स रॉयस में CNG? हाँ हाँ, पहले तो मैं उसमें LPG डलवाता था, फिर मैंने कहा नहीं नहीं भाई, CNG डलवाओ भाई रोल्स रॉयस में। रोल्स से याद आया मुझे, अरे भाई कुछ चाय पानी नाश्ता लाइए ना मेहमान के लिए, लड्डू जाओ ना बेटा। हाँ हाँ, मैं लेके आता हूँ। आप, आपके घर में कोई नौकर नहीं? नहीं, असल बात यह है कि मुझे नौकरों के सामने कुछ छुपता नहीं है। ये जो टैक्स के मामला है ना, वो छुपाने पड़ते हैं ना, कब तक छुपाएंगे नौकरों से हम, इसलिए हमने नौकर रखे ही नहीं, खुद ही नौकर बन गए। समझ रहा हूँ। आप कुछ लाने वाले थे? अरे हाँ, मैं खुद लेके आता हूँ। अरे यार लड्डू जाओ। लीजिए जनाब, लीजिए जनाब, आपके लिए समोसे मंगवाए हैं हमने अमेरिका से। ये समोसे आपके लिए डायरेक्ट अमेरिका से आ रहे हैं। अमेरिका से? हाँ हाँ, अमेरिका से आए हैं, देखिए आते आते ठंडे हो गए। ये क्या है बेगम? वो असल में समोसों में तेल ज्यादा हो गया था, तो अब वो उसको खुश करने के लिए ना टिश्यू मिल रहा था ना कागज मिल रहा था, तो मैंने ये 1000-1000 के 5000-5000 के नोट
इस पे रख दिए ताकि खुश हो जाए ऑल। जी टिशू टिशू गुलाम। कोई बात नहीं 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 ओहो कोई बात नहीं। हाँ साफ हो गया साफ हो गया। ये देखिए गुलाम बस बस हाँ हाँ बस। अरे बेगम आप तो पूरी बस कंपनी खरीद सकती हैं भाई। मम्मी जी मेरा ख्याल है अब आप इस लेवल पे हैं कि आपको बस नहीं मुल्की और गैर मुल्की सारी एयरलाइंस खरीद लेनी चाहिए। चाय पीते हैं वो कहाँ से मंगवाएंगे आप? मंगवाई नहीं है बनाई है। बनाई नहीं 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 हमने हमने उगाई है खुद उगाई है। उगाई है इन्होंने उगाई है और ये हमारी लुगाई है। मेरा मतलब है कि हमारी बेगम है इनके अपने खेत है चाय के कीनिया में। अच्छा खेत है आप फिक्र नहीं करें मैं अभी हम चाय लेके आते हैं आपके लिए। वो बाग है ना मेरा वहाँ कीनिया में चाय का। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही आपके पास इतना सब कुछ है लेकिन नौकर एक भी नहीं। वो हमारे घर में इतने पैसे हैं ना इसलिए इसलिए हम घर में नौकर नहीं रखते यू नो ट्रस्ट इश्यू। जी अच्छा। अरे क्या यार आप अपनी बात कर रहे हैं मैं अपनी बात कर रहा हूँ मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ आपसे यार? भाई गैस नहीं आ रही है घर में डॉलर जला जला के खाना पक रहा है। हाँ अब तक मैं $10,00,000 जला चुका हूँ और सिर्फ 4 रोटियां बनी। अरे भाई आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे यार किस तरह मैं आपको एक बात सुने। अच्छा मेरे ख्याल में मुझे इजाजत दे मैं चलता हूँ। अरे नहीं इतनी जल्दी बैठिए ना खाना वाना खा के जाइएगा। वो दरअसल एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। तो फिर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है ना? जी जी वो मैं आपको बता दूंगा। क्या इनकम टैक्स वाले? अरे तुमने उन्हें हमारे घर का पता तो नहीं बता दिया ना? चलो बहुत अच्छा किया अब हम संभाल लेंगे। अच्छा ठीक है गुलाम लड्डू हनी उफो कहां मर गए सारे के सारे। मैं खुद जाके उनको बताती हूँ कि अब गरीब बनने की तैयारी करें इनकम टैक्स वाले कहीं यही ना आ जाए। आए साहब जी आए 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 तशरीफ रखें बैठे एक एक मिनट एक बैठे बैठे। शुक्रिया शुक्रिया मुझे तानी बेगम से मिलना है। हे बेचारी तो सो रही है सुबह से भीख मांग मांग के थक गई थी बहुत। क्या मतलब भीख? हाँ बेचारी का शौर एक नंबर का डल्ला कामचोर है बेचारी सुबह से शाम तक भीख मांगती है ऊपर से किराए का घर सालों से किराया नहीं दिया कारोबार भी बेचारी का डूब गया। यार लेकिन मैंने तो सुना था कि उनका कारोबार बहुत अच्छा चलता है। नहीं, उससे अच्छा तो कछुआ चलता आगे तो बढ़ता है इनका पीछे जाता है। दादा अल्लाह के नाम पे दादा अल्लाह के नाम पे दादा यही तो है तानी बेगम का शौर बोला। अच्छा ये है निकट्टू निकम्मे भैया कुछ अल्लाह आप पीछे हट के बैठे रोटी खिला। मम्मी जी ये सूट वाले साहब आपसे मिलना चाहते। साहब बहुत अच्छा किया जो आप आ गए अल्लाह के वास्ते कुछ दे दे बहुत दिन से कुछ भी नहीं खाया। सही कह रही है दे दे बल्कि मुझे भी दे दे। आप तानी बेगम हैं? मैं ही हूँ तानी बेगम। अरे भैया आप तो पीछे हैं यार। पक्की बात है कि आप ही तानी बेगम। अरे भैया अगर शनाख्ती कार्ड पे इनकी तारीख पैदाइश ना लिखी होती ना तो हम आपको दिखा देते भैया। तानी बेगम के ठाट बाट है बहुत बड़ा कारोबार है यही ना। अरे भाई बहुत पुरानी बात है किसी जमाने की बात थी अंग्रेज ने जब बर सगीर पर कब्जा किया था ना उसी वक्त इनका कारोबार तबाह बर्बाद हो गया था भैया। गुलाम इससे तो अच्छा था कि मेरा शनाख्ती कार्ड दिखा देते साहब जी को। अरे मुझे इतना पुराना बना दिया आपने। अच्छा आप जरा पीछे हट के बैठे प्लीज। अल्लाह के नाम पे बाबा आपके पाँव में एक चप्पल दूसरी कहाँ है? एक ही मिल गई तो बहुत है रास्ते में टमक टमक पैदल में आ रहा था तो मुझे रास्ते पड़ी नजर आई
है। मैंने कहा एक ही मिल रही है उठा लो, कम से कम इतने दिनों बाद चप्पल तो पहनेंगे। भाई देखो ये देखो, इसको दूर रखें। अच्छा गुलाम, बातें करना छोड़े, साहब जी के लिए चाय ले आए। चाय? मम्मी जी चाय कैसे बनेगी, घर में ना चीनी है ना पत्ती है ना दूध। दूध सुना सुना सा नाम लग रहा है दूध। भाई कमाल करते हैं आप, आपको दूध का नहीं पता यार। अरे बहुत दिनों से देखा ही नहीं दूध को भाई। ये एक बात बता, ये दूध आजकल भी सफेद रंग में आ रहा है क्या? भाई लाहौल विलाकुत, आप लोगों के पास तो किसी बात का कोई ढंग का जवाब है ही नहीं। देखिए हमारे पास देने को तो कुछ भी नहीं है। अरे हम तो लोगों पर सही तरह तवज्जो भी नहीं दे पाते। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार इन्हें डाकुओं ने रास्ते में लूटने की कोशिश करी, उनको भी मायूसी के अलावा कुछ नहीं मिला इनसे। डाकुओं ने इतना कूटा मुझे, इतना कूटा भैया के, अब तेरे पास एक पाई भी नहीं है। ऐसे होना तो यही चाहिए था आपको। साहब जी ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम वाकई बहुत गरीब है, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। भैया अल्लाह के नाम पे भाई कोई रोटी। मैं चलता हूँ भाई, मुझे तो किसी ने बताया था कि गलत बताया था, बिल्कुल गलत। हाँ ऐसा ही लगता है मुझे, अब मुझे चलना चाहिए। ठीक है फिर मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। भैया भैया कुछ तो कुछ तो दे दो भैया, अल्लाह के नाम पे बाबा। चलो भाई अब इनकम टैक्स वालों से भी जान छूटी। चलो अब सब अपना अपना हुलिया दुरुस्त करो। जरा देखो तो हुलिया खानदानी लग रहा है। एक तो भैया इस अखबार पढ़ने से बेहतर है आदमी रज के सो ले दो चार घंटे। अरे आपको क्या पता, आजकल के हालात से बाखबर रहना कितना जरूरी है, मगर आप अखबार तो आज का पढ़ा करें। क्या मामा, पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा जाइए अंदर, लड्डू अकेला लगा हुआ है काम में, उसका हाथ बटाइए जाकर। पहले देख लूं कौन आया है, फिर अपने हलके के नायब नाजिम का तरक्याती काम देख लूं। जाइए जाइए। अरे आ, आ, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं, आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। अरे आ रहा हूं भाई, आ रहा हूं। आयो, आयो, चलो आइए भाई आइए, चाय वाय। खबरदार कोई भी अपनी जगह से नहीं लेगा। देखे ये दोनों तो बिल्कुल नहीं हिलेंगे, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि ये हिल के पानी नहीं पीते। लेकिन मुझे किचन जाना है तो जरा हिलजुल के जाना पड़ेगा ना मुझे भाई। चुप करो, सीधे शराफत से खड़े रहो। तुम लोगों को टैक्स चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। आप लोगों को कोई गलत फहमी हुई है, जाइए जाके टैक्स अफसर से पूछें। हाँ भाई, अरबपति लोगों, हेलीकॉप्टर, रोल्स रॉयस, अब चलो जरा पुलिस जंबो जेट में भी सैर करो। आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं? जी। आप इन्वेस्टर नहीं है? जी नहीं। अभी थोड़ी देर पहले भी नहीं थे? बिल्कुल नहीं। अब बकवास बंद करो, चलो। देखिए बात सुनिए, बात ये, हमारा एक साथी किचन में है, वो अकेला बहुत डरता है, तो हम उसके बगैर नहीं जा सकते। तो उसको लड्डू, ए लड्डू, लड्डू आया है सुसर जी। अब क्या हो गया सुसर जी, और आप इन सबको लेकर यहाँ क्यों आए? आपको कहा था ना कि हम अपनी दौलत की हिफाजत खुद कर सकते हैं, इन सबको लेके जाएं, कोई जरूरत नहीं। चलो भाई चलो, सब बाहर निकलो, बाहर निकलो हमारे घर से, चलो। क्या हुआ सुसर जी, कुछ गड़बड़ है क्या, आप लोग सब परेशान क्यों हैं? ये दोनों परेशान है तो मुझे नहीं मालूम क्यों हैं, लेकिन मैं जरूर परेशान हूँ कि इन दोनों का होगा क्या कैद बामुशक्कत के बाद। क्या मतलब? हमसे रॉन्ग नंबर लग गया लड्डू, वो इन्वेस्टर था, ये इनकम टैक्स अफसर। क्या? हाँ नहीं, छोटे
छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद।